पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल पर खुश आमदीद। हमारे चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट के डेटा की तफसील से आगाह किया जाता है ताकि आपको स्टॉक्स की खरीद और फरोख का फैसला करने में आसानी पेश आए। यहाँ किसी शेयर्स के खरीदने या बेचने के लेवल नहीं बताए जाते, तो अगर आप स्टॉक्स डेटा की तफसील जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि डेटा की वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें। तो आज की समरी देखते हैं। आज मार्केट 45,230 पर बंद हुई और कल के मुकाबले में 81 पॉइंट्स की कमी हुई। 45,447 का हाई और 45,174 का लो लगाया, मतलब पूरे दिन में फैलाव 273 पॉइंट्स का था। वॉल्यूम आज 85 मिलियन का लगा, जो बहुत ही कम था। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को देखें तो ब्रोकर्स ने आज बहुत माल नेट में बेचा, बैंक और इंडिविजुअल्स ने माल खरीदा। ये इतने अच्छे आसार नहीं नज़र आ रहे। आज दो कंपनियों का रिजल्ट आया, अल्लाह वसाया टेक्सटाइल एंड फिनिशिंग मिल्स के 9 महीने का रिजल्ट। पिछले साल 9 महीने के मुकाबले में इस साल के 9 महीने में सेल्स और प्रॉफिट में इजाफा हुआ। अर्निंग पर शेयर 15.17 से बढ़कर 77.17 हो गई। इन्होंने कोई डिविडेंड बोनस या राइट्स अनाउंस नहीं किए। बुरशेन एलपीजी, एक साल का रिजल्ट। पिछले साल के मुकाबले में इस साल सेल्स में कमी हुई और प्रॉफिट लॉस में तब्दील हो गया। अर्निंग पर शेयर 1.15 से कम होकर लॉस पर शेयर 4.88 हो गया। इन्होंने भी कोई डिविडेंड बोनस या राइट्स अनाउंस नहीं किए। अब हम इन कंपनियों की तफसील देखते हैं जो डिविडेंड बोनस या राइट्स इशू कर चुके हैं और इनकी एक्स डेट भी दर्ज है ताकि आप अगर इनसे फ़ायदा उठाना चाहें तो फैसला कर सकें। आखिर में तमाम स्टॉक्स के आज के दिन की कारकर्दगी भी हमने वीडियो में डाल दी है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये थी आज की तफसील। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, रब के हवाले।